राजकीय रेलवे पुलिस ने बुधवार को रेलवे स्टेशन से दो तस्करों को गिरफ्तार करके उनके पास से 20 किलो चांदी बरामद की है। जीआरपी कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए सीओ जीआरपी श्री प्रकाश राय ने बताया कि शिवरात्रि के अवसर पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की चेकिंग जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा था, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्री हाल में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए थे। जब उनको रोककर पूछताछ की गई तो उनके बैग में से 4 चांदी की सिल्ली बरामद हुई, जिसका वे कोई भी कागज नहीं दिखा सके। जब उनकी वजन कराई गई तो कुल लगभग 20 किलो की पाई गई। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बिहार प्रांत के छपरा जिला के थाना दाऊदपुर निवासी वीरेंद्र कुमार प्रसाद पुत्र स्वामी नाथ प्रसाद तथा रवि प्रकाश सोनी पुत्र कृष्ण कुमार सोनी के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ जीआरपी ने बताया, सर पेपर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा कैमरे भाई किसी को समझ में आती है कि लोगों ने मेहनत किया हुआ करेंगे। मामला यह है कि दिनांक 14/18 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रेलवे स्टेशन के संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वस्तु की चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर जीआरपी गोरखपुर आनंद कुमार सिंह, निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल मिथिलेश सिंह, संजय सिंह द्वारा जब पश्चिमी हाल की चेकिंग की जा रही थी रेलवे स्टेशन की, तो दो संदिग्ध व्यक्ति क्रमशः वीरेंद्र प्रसाद व रवि प्रकाश सोनी जो अपने पास बाइक भी हुए थे, संदिग्ध अवस्था में चेक किया गया, नाम पता पूछा गया और बाइक की तलाशी ली गई। 30 किलोग्राम चांदी नाजायज सिल्ली इनके पास बरामद हुई, जिसके कोई प्रपत्र इनके पास नहीं थे और न ही ये प्रस्तुत करने को तैयार थे। इनका कहना था कि कोई व्यापारी गोरखपुर का आता और स्टेशन पर इनका सामान लेके चला था, पहले से बात हुई थी। ऐसी स्थिति में इनको 28/11 गिरफ्तार कर मुकदमा कायम किया गया है, विवेचना जारी है, समय से न्यायालय प्रस्तुत किया गया।